नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं पैंट की कटिंग सिखाने वाला हूं। तो पैंट का नाप आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले 40 इंचिस की लंबाई है और 37 इंचिस की कमर है, 15 इंचिस की मोरी है, हिप इसकी 42 इंच है और इसका पट है वो जिसे हम थाई बोलते हैं 26 इंच और घुटना हमारा 17 इंच और इसका आसन रखेंगे हम 24.5 इंच। 37 कमर का आसन रखेंगे, 24.5 इंच ये फिटिंग वाली पैंट होगी। तो चलिए दोस्तों, तो आपको बताते हैं आज पैंट की कटिंग। तो मैं राजेंद्र कुमार और मेरे चैनल आर के स्टिचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो पैंट का हमारा कपड़ा जो पैंट की सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है और बाहर वाली साइड जो होगी वो आपने इस तरह से बिछा लेनी है बाहर। और सबसे पहले आपने दोस्तों करना क्या है, एक सीधा मार्का खींच लेना है ऊपर इस प्रकार, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आपने एक सीधा मार्का का निशान लगा लेना है। और उसके बाद दोस्तों, जिस तरह की हमारी 40 इंच लंबाई है इस पैंट की, तो हम एक इंच कम करते हुए 40 इंच लंबाई है तो 39 इंच रखेंगे और 3 इंच हम एक्स्ट्रा मोहरी के लिए, जो बॉटम के लिए रखते हैं, जो इसे तरपाई के लिए रखते हैं, तो 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है। तो इससे पहले सबसे पहले हम सीधा कर लेते हैं। और इसके बाद आपको बताता हूँ मैं इसके कमर का निशान लगाना। 37 इंच हमारी कमर है दोस्तों, तो 37 का दूसरा हिस्सा कर लेना है। दूसरा हिस्सा करेंगे तो 18.5 इंच आएगा और 18.5 का दूसरा हिस्सा करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। तो आपने इस तरह से 37 का 4 भाग कर लेना है। तो 4 भाग करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। तो 9.25 को आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखना है। और दोस्तों, ये डबल प्लेट वाली पैंट होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है प्लेट के लिए। ये डबल प्लेट वाली पैंट है तो आपने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है प्लेट के लिए दोस्तों। तो अब ये 12 इंच हो गया हमारा सारा। आपको मैं हिप का निशान लगाना बताता हूँ। 40 इंच हिप है तो इसका चौथा हिस्सा करेंगे 10 इंच आएगा। आपको 10 इंच नहीं रखना है, 2 सूत कम करके निशान लगाना है आपने। 1.5 पे इंच पे निशान लगाएंगे ये, 1.5 इंच पे। अगर आप 10 इंच पे लगाते हो आसन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमने 24.5 इंच ही आसन रखना है, इसलिए 10.5 पे लगाएंगे। और ये यहाँ से हमारा 12 इंच था, यहाँ से 12 इंच था हमारा, तो यही निशान हम नीचे की तरफ उठा लेंगे यहाँ पे 12 इंच का। और 1.5 इंच आगे की तरफ जो हमारी फ्लाई के लिए हम मोड़ते हैं, तो इस निशान को हम इस निशान से इस निशान को मिला लेते हैं और यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देंगे। ये हमारी फ्लाई का निशान हो गया, जहाँ से हम गोल करते हैं वहाँ से हम फ्लाई का निशान लगा सकते हैं। और अब हम सेंटर का निशान लगा लेते हैं, यही सेंटर का निशान ऊपर लगा लेंगे और यही सेंटर का निशान हमारी बॉटम में लगा लेंगे। अब आपको घुटने में सेंटर का निशान लगाना बताता हूँ। पहले घुटना बताता हूँ, हमारा 29 इंच आया है तो 14.5 इंच इसका हाफ हो गया और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख कर घुटने के निशान की मार्किंग कर लेंगे। और अब क्या करना है दोस्तों, जो हमारा सेंटर का निशान लगाया था वही निशान इस पर हम यहाँ पर लगा देते हैं। और जैसे अब हमारी 15 इंच मोहरी है तो आपने क्या करना है, 15 का हाफ हो गया 7.5 और 7.5 का हाफ कर कर आपने मोहरी का निशान लगा लेना है। और इसके बाद दोस्तों 17 इंच हमारा घुटना है, तो घुटने का 17 का हाफ कर लिया आपने 8.5, 8.5 का हाफ हो गया 4.25। इस तरह से आपने सेंटर से 4.25 इधर, सेंटर 4.25 इधर निशान लगा लेना है आपने। और अब 26 इंच पट्टा है हमारा, इसे हम थाई भी बोलते हैं, तो 13 × 26 यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। और ये निशान हो गया 2 इंच का हमारा जेब का और 7 इंच की इसकी मोर रखेंगे हम, लंबाई रखेंगे जेब की। और अब हम फट्टी की मदद से इन निशानों को उठा लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। फट्टी आपकी अच्छे से बैठनी चाहिए,
ये देखिए दोस्तों, हमारी फट्टी यहाँ पे बैठ रही है, तो मैं यहीं रखूँगा। इस प्रकार निशान उठा लेना है और यहाँ पे आपने शेप दे देनी है थोड़ी सी। और ये हमारी जेब का निशान हो गया। अब दोस्तों मैं आपको प्लेट डालने का तरीका बता देता हूँ। ये हमारा सेंटर है जहाँ पे, उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो 1.25 इंच रखा है, 1.25 इंच, तो पहली प्लेट होगी हमारी 1 इंच की। सेंटर से 1 इंच पे निशान लगा लें। उसके बाद हमने 1.25 इंच छोड़कर जो हमारा 1.25 इंच बचता है प्लेट के लिए, उसको निशान उठा लेंगे। इस तरह से हम प्लेटों के निशान को उठा लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच डाउन रखना है, यहाँ से 1/2 इंच डाउन रखेंगे। और ये हमारी जेब का मुंह है, यहाँ से हम यहाँ तक, ये इस तरह से हमारे सामने की मार्किंग अब पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग करके आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, जो पैंट का कपड़ा है हमारा, वो कुछ इस तरह से हमने पलट कर बिछा लेना है। जो पहले ऊपर था उसे नीचे कर लेना है, और जो नीचे था उसे ऊपर कर इस तरह से बिछा लेना है आपने दोस्तों। और पैंट के कपड़े को हमारा जो सामना है उसे अच्छे तरीके से इस पर बिछा लेना है, इस तरह से। यहाँ से अब जो हमारे सेंटर का निशान लगाया है वो आप देख लें, यहाँ तक कि हमारा 7 इंच आ रहा है मेरा, तो 7 इंच 7 इंच तीनों जगहों पे 7 इंच होना चाहिए, जिससे कि हमारी पैंट है वो सही आएगी, वो सही बिज जाएगी। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, इन तीनों निशानों को उठा लेना है। यहाँ से 1/2 इंच नीचे ये निशान हो गया, और ये निशान, इन तीनों निशानों को उठाने के बाद दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से अगर आप फिटिंग पैंट रखना चाहते हो तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है आपको। मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। और यहाँ से घुटने पे दोस्तों आपने 1.5 इंच रखना है। और यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच पे निशान लगाना है। तो अब इन तीनों निशानों को इस फट्टी की मदद से हम उठा लेंगे। और ये हमारा निशान हो गया एक्स्ट्रा, जो हम जो कटिंग करते हैं पैंट में कपड़ा रखते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको हिप का निशान लगाना बता देता हूँ, 40 इंच हिप है, 42 सॉरी। तो यहाँ से 1/2 इंच हम मार्किंग के लिए छोड़कर 42 का चौथा हिस्सा 10.5, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे यहाँ पे। और दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अब आपने करना क्या है, 1.5 इंच यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच